This is why the T20 format is always as exciting as ever. Hello, everybody. Welcome back to Cricket Tracker Special Show in the Air with me, Nivedna Prabhu. Namibia have managed to win by 4 wickets against Scotland. Or jaldi jaldi se bula lete hain hamare guests ko to find out what they thought about this match. Sabse pehle bulate hain Gaurav Tripathi ko joining us once again back in the studios. Gaurav, quite a game. Kya se ho gaya? या आई थिंक पहली बॉल से कुछ डिसाइड हो गया था कि क्या होने वाला है. ट्रम्पलमैन ने वहां कैप्टन जॉर्ज मुंसी को 0 पे आउट किया पहली बॉल पे. एंड सिंस देन स्कॉटलैंड का भी कॉन्टेस्ट में लगा ही नहीं. वहां पर एक छोटा सा उन्होंने टोटल पोस्ट किया. हाँ, 109 को चेस करने में नामीबिया बहुत ज्यादा स्मूथली लाइन क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन स्टिल अ विन इज अ विन. ये आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उनका पहला मैच था सुपर 12 स्टेज के किसी भी T20 वर्ल्ड कप का. सो डेफिनेटली अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम देम. एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट दिस इज द सेम स्कॉटलैंड टीम जिन्होंने हराया था बांग्लादेश को प्रीलिमिनरी राउंड में. सो आई थिंक वो अच्छे फॉर्म में थे, तो नामीबिया को ऐसा परफॉर्म करना, कूडोस टू देम. ब्रिलियंट विन फॉर नामीबिया. In terms of course today's match, aap sabko kya laga? Let me know, who were you supporting? Were you supporting Scotland? Then let me know what you thought that really went wrong for them. Comment section mein dali. Usi baat pe let's call on our second guest, Pratyay Tiwari, joining us back in the studio once again. Pratyay, if I'm not mistaken, you were rooting for Scotland. Quite an upset over there. Yes, I think it's actually a little bit of surprise, kyunki do matches ab aise ho chuke hain lagatar. जहाँ पे स्कॉटलैंड को थोड़ी सी तकलीफों का सामना करना पड़ा है अपनी अच्छी शुरुआत के बावजूद. सो आई थिंक दे वुड बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आज जिस तरीके का परफॉर्मेंस था उसके बाद में बैटिंग फर्स्ट दे लॉस्ट टू मेनी विकेट्स, और उसके बाद से कभी भी वो मोमेंटम उस तरीके से पकड़ नहीं पाए जैसा कि उनको शायद स्कोर खड़ा करना चाहिए था. बिकॉज व्हेन यू लूज दैट मेनी विकेट्स, उसके बाद इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू मेक अ कमबैक. एंड क्रेडिट ऑफ कोर्स टू नामीबिया, बट ऑल्सो अ लिटिल बिट टू स्कॉटलैंड बोलर्स, क्योंकि छोटा चेस था बट उन्होंने इतनी आसानी से चेस करने नहीं दिया उनको. इट ऑलमोस्ट केम डाउन टू द वायर एंड विकेट्स भी वो जितने ले सके. सो आई थिंक व्हेन यू हैव अ डे लाइक दैट जहां पे शायद करीब 200 या सवा 200 रन बने हो और 14 विकेट गिर गए हो, सो यू नो दैट बैट्समैन के लिए शायद वो दिन नहीं था. सो आई थिंक बोलिंग ऑन बोथ द साइड्स वर गुड, बट दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर स्कॉटलैंड ऑफकोर्स. और साथ ही साथ मुझे लगता है दैट वी कैन नाउ प्रोबेबली से कि उनकी जर्नी इट्स ऑलमोस्ट ओवर, क्योंकि उतनी बड़ी लॉस के बाद में दे इट वाज ऑलमोस्ट अ नेसेसरी एनकाउंटर जो उन्हें आज जीतना था, एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट. Right, and on the other hand, Bishal has commented, I think the way Namibia played, it doesn't look like they played their first T20 Super 12 match is what he had commented, summarizing it very aptly. Usi baat pe, let's take a quick look at the summary, rather the scorecard of today's match. And everybody who's, of course, joined in and saying hello, hello to everybody out there. Agar aap koi questions puchna chahte hai to Gaurav and Pratyay, put that in the comment section and do not forget to use the hashtag AskCricTracker. Yahan pe summary dekhte hue, Gaurav, a quick word on top performers as well in terms of who you thought performed exceptionally well today. डेफिनेटली ट्रम्पलमैन. आई मीन पहली बॉल पे उन्होंने आउट करके जो उन्होंने पावर प्ले में स्पेल डाला है उसी स्पेल ने आई थिंक पूरे जो मैच का रिजल्ट है वो डिटरमाइन कर दिया. सो इट वॉज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम. ही इज अ लेफ्ट आर्मर. उन्होंने अपने एंगल का अच्छा यूज किया, जो पिच में थोड़ा बहुत मूवमेंट था उसका अच्छा यूज किया. ही केप्ट द बॉल विद इन द स्टंप्स और उसकी वजह से उनके फिगर्स देखने को मिल रहे हैं 3 for 17. एक बार 109 जब पोस्ट हो चुका था तो आई थिंक बैटर्स के बाद इतना बड़ा चैलेंज नहीं था. हाँ, स्कॉटलैंड के बोलर्स ने अच्छा किया था कि ना वहां पर एक अच्छी फाइट की, बिकॉज 109 दैट नेवर लुक्ड इनफ. उसके बाद अगर 19th ओवर में, आई मीन इवन 20th ओवर में अगर नामीबिया जीत रहा है तो क्रेडिट शुड बी गिवन टू स्कॉटलैंड. बट इफ आई हैव टू पिक वन स्टैंडआउट परफॉर्मर फ्रॉम द एंटायर मैच, इट हैज टू बी ट्रम्पलमैन. Okay, talking about Trumpleman, if he could take a look at his particular stats as well, aaj ke match mein, and on the other hand, Kunal's comment saying Namibia good vibes. Well, definitely, I think sabko ye match dekhte hue, it's definitely great vibes. But in terms of Trumpleman's performance, if he could take a quick look and of course get Pratyay's opinion about his particular stats in today's match, Pratyay. Okay, I think कुछ technical issue है. We will come back to Pratyay. But Gaurav, अगर आप वहाँ पे देखें in terms of both these performers, आज एक तरफ of course जैसे कि आपने Trumpleman के बारे में बताया, on the other hand, in terms of taking 2 wickets, how would you summarize his performance?
डेफिनेटली फिलनिक ने भी बहुत अच्छा उनको कॉम्प्लीमेंट किया था. आई मीन जो बोलते हैं कि फास्ट बोलर्स हंट इन टैंडम, ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में नहीं होता, इट हैपेंस इन ओडीआई क्रिकेट एंड इट हैज हैपेंड इन टी20 क्रिकेट इन दिस पर्टिकुलर मैच. सो आई थिंक ये दोनों फास्ट बोलर्स ने बहुत अच्छी बोलिंग की है. फिलनिक के हम लोग फिगर्स देखे तो 4 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए, इकोनॉमी रेट 2.5 का है. तो दिस शोज कि उन्होंने अपनी सारी की सारी बॉल है वो जड़ में डाली है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में डाली है. एंड दिस हैज बीन ब्रिलियंट बिकॉज दिस इज अ गेम ऑफ प्रेशर, सुपर 12 स्टेज, फर्स्ट टाइम नामीबिया खेल रही है. आई थिंक मैच के पहले मैंने मेंशन किया था बिकॉज नीदर नामीबिया नीदर और नॉर्थ स्कॉटलैंड दे डोंट हैव एनी चांस ऑफ गोइंग टू द सेमीफाइनल्स कंसिडरिंग दैट दिस ग्रुप हैज द लाइक्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड. सो ऑल दे कैन डू इज गिव द बेस्ट एंड पुल ऑफ सम अपसेट्स. तो आई थिंक स्टार्ट बहुत अच्छा मिले नामीबिया को और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये बड़ी टीम्स के साथ जब मैच होता होगा तो ये कुछ कर पाती है कि नहीं. Well, that we'll have to wait and watch, of course. Lekin jaise ki Gaurav just summarized both the performances. Aapko kya laga? Mujhe comment section mein bataiye. And of course, talking about that, ki conversation kya ho raha hai? Quick at the social tracker pe, what are the memes and the tweets doing the rounds? And let's take a quick look at that. And of course, get Vya Pate joining us back again. Great going from Namibia is what one person has tweeted. On the other hand, Suvam has said, I'm just imagining myself as a Namibian right now. Out of you, Namibia. I think we've lost Pratyay, so I'll come to you, Gaurav, in terms of, you know, this particular jo social tracker pe chal raha hai, everybody appreciating Namibia at the moment. Do we have any more tweets? Then, you know, if you could take a look at, yeah, we have another one. What a bowling, again, by Trumpelman is what everybody is appreciating. And of course, if there are any other tweets or memes, the only two teams who can beat Pakistan are playing against each other, Scotland versus Namibia. And of course, this is, you know, in terms of what everybody kind of, you know, makes lighter, you know, note of the situation in terms of the match. Lekin aapko, you know, any particular tweet or meme that you actually like? Especially that Pakistan one. I mean, because India to asafal rahi unko harane mein aur asafal rahi New Zealand. So I think teen teams baj gayi hai, Afghanistan, Scotland, Namibia. To agar Pakistan apna unpredictable avatar nikalte hain, ki unpredictable avatar bana ke unhone India aur New Zealand ko hara diya. तो आई थिंक नामीबिया अपने आप को एक्चुअली बैक कर सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट एक अच्छा कंपटीशन देने के लिए बिकॉज आफ्टर सच अ स्टेलर विक्ट्री कॉन्फिडेंस तो उनका हाई हो गई. एंड अगेन आई एम सेइंग दैट दे हैव नथिंग टू लूज, दे हैव नथिंग टू लूज फ्रॉम दिस टूर्नामेंट. उनका ये पहला मैच था, वो जीत चुके हैं, उनको अपने सारे मैचेस आई थिंक एक बिना किसी फियर के खेलना चाहिए. दैट दे हैव टू गो टू द नॉकआउट्स, उनको सेमीफाइनल्स में जाना है. एंड दीज एसोसिएट टीम्स डूइंग वेल इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर द इंटायर क्रिकेट वर्ल्ड बिकॉज हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीम अच्छी हो, वर्ल्ड क्रिकेट की क्वालिटी अच्छी हो. बिकॉज रिसेंट टाइम्स हम देख रहे हैं कि श्रीलंका की जो टीम है उसकी क्वालिटी काफी डाउन चली गई है. बांग्लादेश इज डूइंग डिसेंटली वेल, साउथ अफ्रीका इतनी ज्यादा डॉन्टिंग नहीं है जितनी वो पहले थी. सो आई थिंक जो एसोसिएट नेशंस है ये आ रही है, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, इट्स अ वेरी गुड न्यूज. स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हराया था प्रीलिमिनरी राउंड में और उसी स्कॉटलैंड को आज नामीबिया ने हरा दिया. सो आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज फॉर द एंटायर वर्ल्ड क्रिकेट एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जो टीम्स हैं ये बड़ी टीम्स के सामने कैसे परफॉर्म करती हैं. कैसे फॉर्म करती है, राइट. एंड ऑन द अदर नोट, ऑफ कोर्स, जैसे कि स्कॉटलैंड की थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज थी, हमारे जो गेस्ट है प्रत्यय तिवारी को शायद थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी इन कनेक्टिंग विद अस, बट आई थिंक वी हैव हिम बैक ऑन द शो राइट नाउ. प्रत्यय, वेलकम बैक. लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट द फैक्ट दैट स्कॉटलैंड के जो स्कोर रहा एंड यू नो अपसेट इन टर्म्स ऑफ टोटल, अगर आज का यू नो देखा जाए 109 फॉर बीइंग यू नो द लोएस्ट स्कोर इन टी20 वर्ल्ड कप्स, क्या व्हाट डू यू थिंक रियली वेंट रॉन्ग फॉर देम? आई थिंक शुरुआत से इफ यू आस्क मी एक्चुअली क्या गलत गया तो बताना बहुत मुश्किल होगा. यू हैव टू आस्क कि क्या सही गया, क्योंकि एक्चुअली कुछ भी सही नहीं गया उनके लिए. आज जो शुरुआत से था द अमाउंट ऑफ विकेट्स दे लॉस्ट, द थिंग इज कि लगातार एक तो 2-3 विकेट्स वहां पे गिर जाना है, देन उसके बाद में कोई भी एक ऐसा हैंड नहीं था अपार्ट फ्रॉम द नॉक ऑफ लीफ जिसके बेसिस पे वो एक ऐसा टारगेट शायद बना पाते जिसको कि वो डिफेंड कर सकते थे. बिकॉज जो बॉलिंग परफॉर्मेंस था दे वुड हैव फेल्ट कि अगर शायद 20 या 25 रन भी और होते या 15 रन भी और होते तो दे कुड हैव मैनेज्ड टू मे बी मेक अ फाइट आउट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट, लेकिन वो वहां पे हुआ नहीं. और आई थिंक कि जिस तरीके का ट्रैक भी था शायद इट वॉज नॉट वन ऑफ द इजिएस्ट टू बैट ऑन, क्योंकि जो हमने अभी तक देखा है उसमें इट वॉज नॉट अ केस जहाँ पे बॉल बहुत ज्यादा इजिली आ रही थी बैट पे, इट वॉज ग्रिपिंग अ लिटिल बिट मे बी, सो उस वजह से भी हुआ. बट ऑल्सो क्रेडिट टू ऑफकोर्स द वे दे बोल्ड विद द न्यू बॉल
नामीबियन बोलर्स, जो कि शुरुआत ही उनकी इतनी अच्छी हुई थी कि उसके बाद से उन्होंने कभी उनको वापसी करने ही नहीं दी. तो आई थिंक कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, ऊपर अपफ्रंट द अमाउंट ऑफ विकेट्स दे लॉस्ट, कहीं ना कहीं वहीं से मैच पे उनकी पकड़ पूरी तरीके से छूट गई. In terms of course, जो गौरव ने भी वो observation you know किया था in terms of Pakistan and of course then you know these teams you know playing against them, क्योंकि एक comment आया from Masood Malik saying congratulations to Namibia for defeating Scotland and Namibia will prepare to defeat Pakistan, will be difficult for Namibia's cricket team, Pakistan's very tough and hard team to be defeated, but at the end of the day you never know if they're having a good day on that day, कुछ भी हो सकता है. We have seen upsets in the past as well, but in terms of you know some more questions coming in, I will take that. I do see a lot of comments coming in and of course the excitement to ask Pratya and Gaurav questions. Lekin before that, let's take a quick look at the points table and come to Gaurav, you know, about this because we were also just discussing how, you know, things are going to go ahead now in the campaign now. So Gaurav, yahan pe agar dekha jaye in terms of Namibia, they're at the number three position with the net run rate as well. If you look at it, okay, like that, what magic can happen over here now? See, first of all, ये बहुत अर्ली स्टेजेस है टूर्नामेंट की, बट स्टिल बीइंग एन इंडियन फैन बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, अफगानिस्तान नामीबिया को इंडिया के ऊपर देखकर. सो डेफिनेटली आई थिंक द टेबल्स आर गोइंग टू टर्न अराउंड जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस होगा. आई थिंक शायद तक नामीबिया एंड अफगानिस्तान वो नीचे आएंगे, हम देखेंगे इंग्लैंड या फिर सॉरी न्यूजीलैंड या फिर इंडिया को ऊपर जाते हुए. सो आई थिंक जो करंट पॉइंट्स टेबल है, आई एम अगेन सेइंग कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल स्पॉट इज ऑलमोस्ट कंसर्न्ड, इफ नॉट ऑफिशियली एकदम कंफर्म नहीं है तो, लेकिन ऑलमोस्ट कंफर्म ही है उनका वो. और फिर दूसरे एक इवेंट में इंडिया और न्यूजीलैंड, आई थिंक जो उनका 31 तारीख को मैच होने वाला है वो डिटरमाइन कर सकता है कि उन दोनों में से सेमीफाइनल पहुंच जा सकता है. ओके आप लोगों को क्या लगता है इन टर्म्स ऑफ गौरव्स व्यू पॉइंट, मुझे डेफिनेटली बताइए इन द कमेंट सेक्शन. एंड आल्सो कम टू प्रत्यय अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. विशाल वांट्स टू नो हाउ इम्प्रेस्ड आर यू विद द परफॉर्मेंसेस ऑफ एसोसिएटेड नेम लाइक स्कॉटलैंड एंड नामीबिया. सी द स्टार्ट वाज फॉर स्कॉटलैंड, इट वाज वेरी गुड, जो तीन लगातार जीत उन्होंने वहां पे दर्ज करी और उसके बाद दे वर एबल टू क्वालिफाई. लेकिन उसके बाद जो दोनों मैचेस की उनकी हार रही है, खासतौर पर पिछली वाली जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट थी, उसने बहुत हद तक उनको डेंट ऑलरेडी कर दिया था. और इस बार ये जो नामीबिया के अगेंस्ट हार है, उसने कहीं तक आई गेस कि एक फुल स्टॉप ऑलमोस्ट उनकी कैंपेन पे लगा दिया है. बट नामीबिया, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू देम, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये उनका पहला टूर्नामेंट है, इट्स देयर मेडन टूर्नामेंट. और एज वी इवन वर डिस्कसिंग इन द प्री शो कि ये एक मुकाबला है आज स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा वो चाहेंगे जीतना, क्योंकि बाकी जो टीम्स हैं वो जैसे जैसे वो आगे जाते जाएंगे वो टीम्स का कॉम्पिटिशन और लेवल बढ़ता जाएगा, न्यूजीलैंड पाकिस्तान इवन फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान. तो ये जीत हासिल करने के बाद एटलीस्ट नाउ दे नो कि एक जीत उनके पास में है, और अगर एक भी अपसेट वो और क्रिएट कर पाते हैं तो आई वुड फील कि उनके कैंपेन में उनको ये लगेगा कि ये एक सक्सेसफुल कैंपेन था. और नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जिसके लिए वो क्वालिफाई कर चुके हैं उसके लिए वो बहुत ज्यादा अपने साथ कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे, और शायद हो सकता है कि हम कुछ और कमाल उनको करता हुआ अगली बार देखें. बिकॉज कुछ बार हमने देखा है ऑलरेडी प्रीवियस एडिशंस में भी कि एसोसिएट्स जो है वो बहुत हद तक सरप्राइज कर जाते हैं. So I think कि ये कैंपेन एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का डेफिनेटली उनके लिए काम करेगा, और आगे के मैचेस के लिए भी उनके लिए एक अच्छा रास्ता खुल गया, because now they have the winning momentum on their side. Bishal's also commented saying till now after watching all the Super 12 matches, I think the team which chases has more benefit. I think ये गौरव ने भी you know हमें बताया था in terms of looking at that record as well. But would you like to answer that or give your viewpoint, Gaurav? Yeah, definitely. I think ये पूरे हमने इंडियन टी ट्वेंटी लीग में देखा है, और इवन यूएई में जितने भी मैचेस हुए हैं पिछले 3-4 साल में, वेदर ये दिन का गेम हो या फिर रात का गेम हो, जो टीम चेस करती है उसको डेफिनेटली एक प्रॉफिट मिलता है. आई थिंक यहाँ के जो ट्रैक कंडीशंस है उनका नेचर ऐसा है कि इनिशियली शायद तक बॉल थोड़ी सी हरकत करती है जब पिच नया होता है, और फिर जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता है द पिच बिकम्स बेटर फॉर बैटिंग. सो आई थिंक ये एक मेन रीजन है कि जो टीम जो चेस करती है वो इतने ज्यादा मैचेस जीत पा रही है. और आई थिंक दिस विल द की फॉर द एंटायर टूर्नामेंट कि आप जहां पर भी खेल रहे हैं, आप दुबई में खेल रहे हैं, अबू धाबी में खेल रहे हैं, शारजा में खेल रहे हैं, विन द टॉस, चूज टू फील्ड एंड बैक योरसेल्फ टू चेस डाउन व्हाटएवर टारगेट इज गिवन टू यू. सो आई थिंक ये जो चीज है हम लोग रेगुलरली देखने वाले हैं, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे वाले आने वाले मैचेस में हम कुछ अच्छे हाई स्कोरिंग मैचेस देख पाते हैं कि नहीं. बिकॉज एज आई हैव मेंशन्ड अगेन 110-109 का स्कोर ऑब्वियसली आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट कि बैकर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट फॉर अ टूर्नामेंट लाइक टी20 वर्ल्ड कप
ये एक बहुत अच्छा ब्रांड नहीं है कि हम लो स्कोरिंग मैचेस बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली दिख रहे हैं. सो हेडिंग टुवर्ड्स द टूर्नामेंट जो सेकंड हाफ आने वाला है, आई होप कि पिचेस तो बेटर हो एंड वी कैन सी टोटल्स ऑफ 160-170. Right, and I think that's the only way we'll get to see far more exciting games. Neto, I think it becomes one-sided at some point. But in terms of talking about scores, let's take a quick look at the comparison of where both these teams were standing. Pratyay, a quick word on jahan pe, you know, agar phase-wise compare kiya jayega to both these teams. देखिए, जो मैंने पहले भी बोला कि शुरुआत जो थी वहां पे 3-4 विकेट्स, अगर आप पावर प्ले में 20-22 रन बना रहे हैं और 3-4 विकेट गवा रहे हैं, तो उसके बाद सबसे पहली बात तो यहाँ के जो ट्रैक्स का अभी तक हमने टेंडेंसी देखी है थ्रू आउट द आईपीएल या इवन अदरवाइज, वो यह है कि पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि शायद प्रोग्रेसिवली विकेट धीमे हो जाते हैं. कभी कभार अगर ड्यू का उतना फैक्टर नहीं होता तो चेस करने में उतनी प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन जो पावर प्ले का इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि एक तो फील्ड रिस्ट्रिक्शन आपके हाथ में है, तो आप जितने ज्यादा रन उस समय बनाना चाहें आप बना सकते हैं. उसका फायदा आज बिल्कुल भी स्कॉटलैंड नहीं उठा पाई और विकेट जो उन्होंने सबसे ज्यादा गवा दिए वहां पे वो उनके लिए तकलीफ थे इसलिए रहा क्योंकि एज वी कीप डिस्कसिंग उनका एक साइड ऐसा है जो कि थोड़ा सा टॉप हैवी है, जो उनके ऊंचे क्रम के बल्लेबाज हैं उन पे ज्यादा हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो रन उस तरीके से बना सके, अनलाइक नामीबिया जिनके पास नीचे डेविड वीज़े हैं और भी प्लेयर्स हैं जो कि आकर के शायद थोड़े से फिनिशिंग टचेस दे सकते हैं. तो जो शुरुआत में वो विकेट्स गए वहां से इस तरीके से वो पैक बैक हुए कि वो वापसी उनकी हो नहीं सकी और हैड इट नॉट बीन फॉर माइकल लीव स्नॉक मुझे लगता है कि शायद वो उतने रन पे भी नहीं पहुंच पाते. बट एक्सपेक्टिंग yourself कि अगर आप even if it's not one of the strongest team that you are facing, इन tracks में आप इतना नहीं अपने आप को पैक कर पाएंगे शायद कि आप 110 या 120 रन बना करके सोचे कि वो डिफेंड कर लें. फॉर दैट आपको बॉलिंग शायद बहुत ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी जो कि उतनी अच्छी वो नहीं कर पाए. दे वर एबल टू कंट्रोल द रन लेकिन उतना जितना चाहिए था उनको कि वो शायद 6 के अंडर का जो स्कोर है उसको डिफेंड कर लें, उस लायक उनकी गेंदबाजी शायद आज नहीं थी. सो आई थिंक कि नामीबिया बहुत मार्जिन से हमेशा अहेड नहीं रहा गेम में लेकिन उसके बावजूद भी इतना आगे वो जरूर था कि वो चेज आराम से करके एंड में ले गए मैच को. Right, and of course, for everybody who is, of course, supporting Scotland today, quite an upset. But in terms of, you know, question coming in from Kunal saying, what about the Sri Lanka versus Australia match? Sri Lanka have a great chance tomorrow. Well, aapne pucha, and we have got details for you that we will be joining you once again live tomorrow on In the Air on Cricket Tracker special show. Do not forget to join us at 6:50 PM IST because hum discuss karne wale hai. Aapne to prediction de diya hai ki Sri Lanka ka better chance hai, but come back tomorrow and join us and give us more of your analysis. We will definitely look forward to you know, having you tomorrow on our show as well. And on that note, I want to thank both our guests for joining us in the studio and of course for all of you for joining us as well on In the Air. We will definitely see you tomorrow, like I said, to discuss everything to do with the T20I World Cup. Don't forget to see us soon.